अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका अब सिविल कोर्ट में डाल दी गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और सिविल कोर्ट से मांग की गई है कि भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिले, अनुमति मिले और इसके साथ ही मस्जिद के गुंबदों को बस्तीकरण का आदेश दिए जाने की भी मांग उठाई गई है नई याचिका में। और याचिका भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के बाद मित्र की हैसियत से डाली गई है। आपको बताएं कि राकेश सिंह समेत 5 महिलाओं के वाद के बाद ये ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ दूसरा मुकदमा है और इस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और अब सुनवाई के लिए आज दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है। आज की सुनवाई में इस मुकदमे में कोई बड़ा अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ज्ञानवापी के बाद में वाराणसी की अदालत में एक नया वाद दाखिल हुआ है। ये वाद किरण सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल किया गया है जिसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है और इस पर सुनवाई होगी। क्या पूरा मामला था इस बारे में बात करते हैं वरिष्ठ वकील मान बहादुर सिंह जी से। सर, ये वाद किसकी तरफ से दाखिल किया गया था, क्या प्रेयर इसमें की गई? देखिए, किरण सिंह बेदी ने दाखिल किया है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कैस्टी में दाखिल किया है। ये आदि विश्वेश्वर जो वहाँ पर विराजमान है उस लैंड के बाबत दाखिल किया गया है और मेन रिलीफ जो मांगी गई है वो रिलीफ ये मांगी गई है कि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जिसे ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में तोड़ करके मंदिर के ऊपर कायम कर लिया है उस संबंध की उसके रिमूवल के लिए प्रेयर की गई है कि इसको रिमूव किया जाए और जो मंदिर का वास्तविक कब्जा है हमको हैंड ओवर कर दिया जाए। देखिए नई याचिका डाली गई है, अब नई याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। अब सिविल कोर्ट के जज की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर लगातार नजर है, कोर्ट का रुख क्या होता है। सिविल कोर्ट में ये नई याचिका है, ये ज्ञानवापी विवाद को लेकर दूसरा मुकदमा है। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने ये याचिका दी है और साथ ही मस्जिद की जगह को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है, गुंबद के ध्वस्तीकरण की भी मांग की गई है। अब देखिए क्या है ज्ञानवापी का नया विवाद, ये तफसील से आपको पूरी जानकारी देते हैं। कल किरण सिंह बिसेन की तरफ से नई याचिका दाखिल की गई, भगवान विश्वेश्वर विराजमान के बाद मित्र के तौर पर ये नई याचिका दाखिल की गई है और मस्जिद की एक जगह को भगवान विश्वेश्वर का स्थान बताया गया इस नई याचिका में और दावे वाले स्थान को हिंदुओं को सौंपने की मांग इस नई याचिका में की गई है। इसके अलावा मस्जिद का जो गुंबद है मस्जिद के गुंबदों को ध्वस्त करने के आदेश देने की भी मांग की गई है कोर्ट से। सिविल जज सीनियर डिविजन रवि दिवाकर ने याचिका को मंजूर कर लिया है और दोपहर 2 बजे रवि दिवाकर की कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर इस नई याचिका को लेकर सुनवाई होने वाली है। अब कोर्ट का रुख किस तरीके से होगा इसी पर लगातार निगाहें हैं। और देखिए इससे पहले कल की सुनवाई में क्या हुआ वो भी आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल वाराणसी के जिला कोर्ट में हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 26 मई तक इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।